आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही अच्छा फिल्म, तमिल तेलुगु और साउथ इंडियन का बहुत ही अच्छा फिल्म है वो। उसका नाम है गार्डियन। गार्डियन में हंसिका मोटवानी लीड रोल में है। बहुत ही अच्छा मूवी है, हॉरर है, थ्रिलर है, सारी चीज़ें हैं। तो स्टोरी थोड़ी बहुत आपको बता देते हैं, नहीं तो इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा। होता ये है कि जब स्टार्ट होता है फिल्म, तो उसमें दिखाए जाते हैं चार तांत्रिकों को, जो तांत्रिकों एक आत्मा को कैद करने का प्रयास करते रहते हैं। तो वो अपने प्रयास पूरा कर चुके हैं और पत्थर में उनको उनकी आत्मा को डाल देते हैं। फिर जस्ट सीन कट ऑफ होके सेकंड पैराग्राफ पे चला जाता है। सेकंड पैराग्राफ पे दिखाया जाता है हंसिका मोटवानी को, जो एक अनलकी गर्ल है, जिन जो 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 चाहती है अपने हिसाब से, उसका कोई भी काम सक्सेस नहीं हो पाता, सारे काम एकदम बिगड़ ही जाते हैं, मतलब उसका काम हो ही नहीं जाता। तो वो निराश होके और बैग वैग पैक करके वो मुंबई चली जाती है जॉब के तलाश में। तो उसको कुछ इधर उधर करके जॉब तो मिल जाता है। जॉब मिलने के बाद उसका जो बॉस होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, तो कुछ दिक्कतें आती हैं। फिर होता ही है स्टोरी में कि उसको एक साइट दिया जाता है हंसिका को, वो अपने फ्रेंड के साथ जाती है उस साइट को देखने। तो साइट में होता यूँ है कि जैसे साइट में विजिट के लिए अपनी काम कर रही थी, तभी उसका पैर एक किल पे लग जाता है और ब्लड निकलने लगता है। ब्लड निकलता है तो हंसिका को ये रियलाइज़ नहीं होता कि जो ब्लड निकल के गिर रहा होता है वो ब्लड सीधा पत्थर पे पड़ता है। वो पत्थर कौन सा, जिसमें आत्मा कैद थी, है ना। तो वो आत्मा रिलीज हो गई मान के चलिए ना, ऐसा नहीं है, इसके लिए फिल्म देखना पड़ेगा, पूरा स्टोरी बताऊंगा मैं। तो होता ही है ना। तो स्टोरी ये है, तो भाई जब उसका ब्लड निकला और उस पत्थर पे पड़ा, पत्थर पे पड़ने के बाद जो वो लड़की चाहने लगी, जैसा भी उसका मन में जो भी हो, वो ओरिजिनल टाइप से होना ही है, मतलब वो आत्मा उसके साथ थी, वो जो चाहे वो कर रही थी। तो धीरे धीरे उसको रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ ये ऐसा क्या चीज़ हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मतलब उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ। तो फिर धीरे धीरे जब बढ़ती है कहानी बढ़ने के साथ हंसिका को रियलाइज़ होता है कि ये कुछ बुरी आत्मा है। तो वो गुस्से में जाके वो जो पत्थर वो घर भी ले जा रही थी ना, घर ले जा के रखती रहती, तो पत्थर को वो तोड़ देती है। तोड़ने के बाद वो हो गई एकदम फ्री। फ्री होने के बाद पत्थर में से निकलता है आत्मा निकलती है। फिर हंसिका बहुत ज़्यादा डर जाती है, आमने सामने दोनों के आमने सामने होता है आत्मा का और हंसिका का। तो फिर और जब वो स्टोरी अब देखिए, जैसे बैक स्टोरी में जाते हैं, नहीं पीछे पीछे, तो फिल्म के सीधा पीछे क्लाइमेक्स में चल जाती है, उस लड़की के साथ हुआ क्या था और क्या हुआ था ऐसा करके। तो होता कुछ नहीं है, वो एक कंपनी में जॉब कर रही होती है, आर्टिडेट ऐसा कुछ करके। तो वहाँ पे ना कुछ इलीगल लोग आ जाते हैं जिनको अपना बिल पास वास जो भी कराना होता है उस कारण, तो वो मना कर देती है सीधा कि मैं इलीगल काम नहीं करूँगी। तो इस कारण ना जब उसका बेटी का बर्थडे होता है उसी दिन, वो चार लोग थे ना, चार कातिल हैं फिल्म में, तो चारों लोग उसको जाके उसका मर्डर कर देते हैं और उसको जला देते हैं, जिंदा जला देते हैं, अधूरा मार के जिंदा जला देते हैं। तो लड़की तो खैर अभी आई नहीं थी घर, उसके बर्थडे का तैयारी चल रहा था, तो लड़की नहीं आई थी, वो बच जाती है। तो ये जो लड़की है इसको मार दिए लोग, है ना, जिंदा जला दिए। तो इसकी आत्मा भटक रही है, तो वही आत्मा जो है हंसिका से मुलाकात होती है। तो उससे मिलने के बाद अब स्टोरी बढ़ता यह है कि भाई अब बदला तो लेगी। तो ऐसे तैसे करके वो अपने एक दो और तीन दुश्मनों को इधर उधर करके वो मार डालती है। लेकिन लास्ट वाला जो बचता है मेन विलन, उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा सा। होता इसलिए है क्योंकि वो फिर से वो कोई दूसरे तांत्रिक को बुलाकर उसकी आत्मा को फिर से कैद करवा लेता है, वो जो विलन होता है वो, और करेक्टर जो है वो उसको कैद कर लिए तांत्रिक लोग। तो फिर जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, कुछ कर नहीं पाएगी लड़की हंसिका। तो हंसिका को भी क्या करते हैं, उसको थोड़ा मार पीट के थोड़ा सा, उसके बाद उसको भी जिंदा दफना दिए जाते हैं, जिंदा दफना दिए पूरा आत्मा कैद, और रिलैक्स होके विलन जा रहा है घर। फिल्म देखना, बहुत ही अच्छा फिल्म है। रिलैक्स होके जा रहा है घर वो पहुंच गया मान के चलिए। फिर आगे का कहानी कि जब उस तांत्रिक ने उसको जो कमंडल या लोटा जो भी बोल सकते हैं उसमें कैद करके रखा है, वो तांत्रिक भी सोचता है एक बार जब वो जा रहा होता है, तभी सोचता है वो
कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो होता ही है। तभी वो अपना जो है वो कमंडल से जो ताबीजें बांधी होती है ना उनको बांधने के लिए आत्मा को, उसको वो धीरे धीरे करके खोल देता है, जबकि उसको रियलाइज होता है कि ये आत्मा सही है, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए करके। तो तांत्रिक उस जगह में अच्छा आदमी बनाया गया है उनको, जो उसको खोल देती है। खोलने के बाद होता यूँ है कि उस कमंडल से आत्मा निकल के सीधा 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 हंसिका को जो दफनाए है ना जिंदा, उसके अंदर चली जाती है। फिर कब्र टू फाड़ के, मतलब एक्चुअल में कब्र नहीं है, वो मिट्टी से पाटा हुआ है, तो उसको पूरा बाहर निकाल के वो बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद जो लास्ट विलन होता है उसको बेरहमी से ख़त्म कर देती है। तो ये था हमारा गार्डियन फिल्म का फुल रिव्यू। बेस्ट मूवी एकदम, मेरे हिसाब से 10/10 देता हूँ मैं इस फिल्म को। और लास्ट में होता ही यूँ है कि हंसिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस जो लड़की होती है उसकी, उस लड़की को अपना लेते हैं। और इस कैरेक्टर में हंसिका का नाम है अपर्णा। तो मैं पूरे वीडियो में नहीं लिया हूँ, लास्ट में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखो मैं इसको एक स्टोरी बेस में बताया हूँ, फिल्म के बारे में नहीं बताया हूँ, फिल्म के बारे में बताया हूँ है ना, स्टोरी बेस में बनाऊँ। जब इस फिल्म को जब मैं बोल रहा हूँ तो इनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो सोचिए जब आप इसको देखोगे तब क्या होगा। है कहानी बहुत ही अच्छा, एक बार देखना जरूर, बहुत ही बेस्ट फिल्म है। तो देख के लाइक से सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और मेरे को बताना कि फिल्म है कैसा। मेरे हिसाब से बहुत ही माइंड ब्लोइंग फिल्म।